हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो स्टूडेंट्स देखो, आपका एक्सरसाइज 3A चल रहा था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड इससे आगे वाला 3। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ओके, एंड आई होप क्वेश्चन फर्स्ट में आपको एडिशन जिस तरह से करना था वो आपको आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन सेकेंड में भी हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है बस, बाकी जो अरेंज करने का तरीका है वो सेम है। तो फिर भी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले लिया है अपनी नोटबुक में। सो लेट्स लर्न। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर असाइनमेंट नंबर A22, क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट, एंड आई हैव टेकन क्वेश्चन फर्स्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, पहले तो आपको अरेंज करना है ना। तो अरेंज देखो, फ्रॉम आ रहा है, ये कह रहा है 6.473 फ्रॉम 17.589, तो आपको इसमें से आपको इसको माइनस करना है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को करना है। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला आपको ऊपर रखना है। तो हम इसको चलो अरेंज करते हैं 17.589, गॉट इट। दूसरा अब इसके नीचे आपको अरेंज करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 6, इधर 4, 7, 3, गॉट इट। अब उसको हमें करना है माइनस। तो सिंपली अब आपको जैसे बस अरेंज करने का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है, बाकी सिंपली आपको जैसे माइनस कर देते वैसे करना है। 9 में से 3 गया तो 3 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इसमें क्या है, 7 में से 6 गया 1 बचा 1, तो सीधा आ जाएगा। तो आपका 11.113 आंसर आ गया। ओके, तो इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं, ये वाला है, ये है, सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर, चलो कौन सा बताएं बताओ, ये मैं आपको फिफ्थ वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 और मैं समझा देता हूँ। ओके, 0.011 फ्रॉम 1.1, तो इसको कैसे करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला ऊपर रखेंगे 1.1, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 और इधर 0, इधर 1, इधर ये 1, तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ 0 लगा लो, जैसे यहाँ पे देखो अब आपको माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो आप 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पे भी आप 0 लगा लो, मतलब जहाँ पे कुछ भी रह गया है ना वहाँ आप 0 लगा लो, जहाँ कुछ नहीं दे रखा वहाँ 0 लगा लो, सिंपल। इधर और या फिर इधर, अब हो गया ना, अब तो कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। यहाँ 20 मिसिंग थी तो आपने अपनी मर्जी से लगा ली, इधर भी कोई 0 मिसिंग है तो आप इधर लगा लो, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, अब इसको माइनस करना है बस। अब 0 में से बन तो जाएगा नहीं, तो इस 0 से कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से बन गया तो 9, यहाँ 0 और यहाँ से हमने कैरी ले लिया था, ठीक है, ये 10, इस पे से कैरी लिया तो ये 10 हुआ था, और 10 पे से भी हमने कैरी लिया तो ये फिर 10 हुआ था, तो यहाँ कितना रह गया, 9 रह गया, सिंपल। तो आपको अब ये 9 में से बन गया तो कितना बचा, 8। ओके, समझ में आ रहा है, मैं 0 में से 1 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लिया, अब इस पे भी नहीं है कुछ, यहाँ तो खुद ही 0 है, तो इससे भी लेने के लिए फिर इससे लेंगे। तो आप याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको काट के आप देखो, यहाँ 0 आ गया, यहाँ कितना रह गया, 10 हो गया था ये, ठीक है। अब 10 पैसे कैरी लिया, ठीक है, तो ये कितना रह गया, 9 रह गया, सिंपल। और ये कितना हो गया था, 10 हो गया था, और 10 में से बन गया तो 9, और 9 में से बन गया तो 8, 0 में से 0 गया तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 में से 0 गया तो 1, आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको करने होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है,
और सिंपलीफाई, तो यहाँ पे आपको सिंपलीफाई करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये प्लस दे रखा है इन दोनों के बीच, फिर माइनस दे रखा है। ओके, यहाँ पे भी ये नंबर है, फिर माइनस प्लस ये इस तरह से दे रखा है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं ले लेता हूँ, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने लिया हुआ है, तो इसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ये संख्या माइनस ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब प्लस माइनस इस तरह से आ रहा हो, एक साथ आ रहा हो, तो आपको क्या करना है कि प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक तरफ लिखना है और माइनस माइनस वाली को एक तरफ लिखना है। तो प्लस की कौन सी है, फर्स्ट वाली 11.001, उसके बाद ये वाला जो नंबर संख्या है ये प्लस की है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे 4.965। ओके, उसके बाद जो माइनस की हैं, और तो कोई प्लस की है नहीं, और जो माइनस की उनको एक तरफ लिख दो, -2.36 -5.7, राइट कर दिया, फिर अलग अलग कर दिया, सेपरेशन कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वालियों को ऐड कर लो, माइनस माइनस वालियों को ऐड कर लो अलग से। तो इनको अगर प्लस करेंगे तो आपको ये यहाँ पे करके नहीं दिखाना है, ठीक है, ये आप कम यहाँ पे तो हम केवल लिखेंगे आंसर, ये काम आप रफ में करेंगे इन दोनों को ऐड करने का। ठीक है, तो इसके लिए तो स्टूडेंट्स देख रहे हो यहाँ पे मैंने अलग से प्लस कर लिया है इनको। ठीक है, तो इनका जो आंसर देखो आप देख रहे हो ना, 11.001 प्लस 4.965, तो यहाँ पे 11.001 4.965 ये मैंने प्लस कर लिया है अलग से, है ना, ये काम आपको रफ में करना है अलग से। तो ये आपका आंसर आ गया 15.966। तो हमने यहाँ पे आंसर का लिखना है 15.966। ओके, लिख लिया। उसके बाद बच्चों फिर इधर वाला है, तो इसको हमें माइनस लगाना है, इनको अलग से प्लस करना है, तो 2.36 और 5.7, तो यहाँ पे आप कर लो 2.36 और 9. क्या है, 5.7 है, सॉरी 5.7। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, इनको इनको भी हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या माइनस की है ना, है ना, तो एक जैसे साइन की जो संख्याएं होती हैं जिनमें एक जैसा साइन लगा रहता है, माइनस माइनस है, तो ये भी प्लस हो जाएंगी, लेकिन इसमें साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस की है, तो साइन तो मैंने पहले लगा दिया माइनस का, अब इनको बस ऐड करना है आपको। तो ऐड करेंगे तो 6 आ गया, 7 और 3 कितना हुआ 10, कैरी 5 और 2 7 और 1 8, तो 8.06, तो इनका आंसर आ रहा है 8.06। ओके, अब इनको हमें क्या करना है, माइनस करना है, जैसे माइनस लग रहा है तो माइनस करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ये रफ में आपको करके देखना है। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो भी आंसर आए वो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस करने पे, और वो आप यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन भी कर लोगे। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो ये 100 दे रखा है, 100 में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आप 100 को आप कैसे लिखेंगे, ये जो नंबर है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 100.00, इस तरह से आप यहाँ पे इनको लिख सकते हैं 00 करके। ठीक है, इसका मतलब यही है, तो बाकी का आप खुद कर ही लेंगे। तो प्लस की संख्या तो 100 ही है, बाकी सब ये माइनस की हैं, तो ये एक साथ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फिर 100 में से इनका जो भी प्लस करके आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा, आप करेंगे ट्राई। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है बेटो, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो इन दोनों का बच्चों आपको माइनस करना है, तो एक आंसर तो ये आ जाएगा। दूसरा फिर सम करना है, इन दोनों का सम करना है, फिर ये दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस करना है और इन दोनों का सम करना है। ओके, तो दो आंसर अलग अलग आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, सेकंड आंसर में से फर्स्ट वाले को, यानी सम में से डिफरेंस को, माइनस, पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस इधर सम निकाल लो, फिर सम में से डिफरेंस को माइनस कर दो। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन फोर का भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको हिंट दे दी है, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।